भाई आईपीएल की तर्ज पे बिग बॉस का लिंक सर चढ़ के बोल रहा है। ऐसे में ड्रीम इलेवन लवर्स लगातार कहीं ना कहीं से मोटा विन करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को मोटी मोटी विन हाथ हो रही है, बहुत सारे लोग निराश भी हो रहे हैं। ऐसे में अभी जो आज हम बात करने वाले हैं, बिग बॉस का 34वां मुकाबला का बात करने वाले हैं, जिसमें कि दो टीमें आमने सामने होंगी। पहली टीम सिडनी सिक्सर्स है जो लगातार जीत रही है, वहीं दूसरी टीम सिडनी थंडर है जिसका भी लगातार परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है। तो ऐसे में दोनों टीमें आमने सामने खेलने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि हमने पिछले वाले मैच के बारे में जो बताया था, तो आज जिस मैच के बारे में हमने बताया था, पहले हमने रेन वर्सेस हर के बारे में बताया था और बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में मैंने बताया था, जिसमें कि जो बेस्ट प्लेयर्स है जो इस फील्ड पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके बारे में मैंने बताया था। जैसे मैंने टॉम्स रोगर्स के बारे में बताया था, मैंने एस हार्पर के बारे में बताया था, टिम डेविड के बारे में बताया था, उसने भी प्लेयर्स का मैंने नाम लिया था, सारे के सारे ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था। मैंने कैनी चर्सन्स के बारे में बताया था, एन एलिस के बारे में बताया था, डब्ल्यू सुदरलैंड के बारे में बताया था, और सबके सब ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। एक दो नाम ऐसे है जिसको मैंने नहीं लिया था, लेकिन हमने बताया था कि भाई आप 5 से 7 हमारा जो प्रीफर्स होगा आप उसको रख ले, बाकी 2-3 अपने एक्सपीरियंस पे ले। हालांकि प्लेयर्स के बारे में हमने बताया था, पिछला सारा रिकॉर्ड मैंने बताया था कि कौन कौन से खिलाड़ी का क्या परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि आज ड्रीम टीम का हिस्सा में आफिफ हुसैन रहे हैं, लेकिन इनके बारे में मैंने नहीं बताया था, लेकिन मैंने इतना जरूर कहा था कि इनका परफॉर्मेंस लगातार अच्छा चल रहा है तो आप अपने स्तर से इनको ले सकते हैं। तो आज का जो टीम था उसको अगर आप देख के चलेंगे ना, तो एस हार्पर को मैंने बताया था कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे स्पीच पे, और वास्तव में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। कैप्टन के रूप में एस हार्पर रहे और वाइस कैप्टन के रूप में टॉम्स रॉगर्स रहे। और हमारा जो फाइनल टीम था उसको मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर भी किया था, और फाइनल जो टीम हमारा जो रैंक आया है उसको भी मैंने उस पर शेयर किया, तो आप जाकर के देख सकते हैं। थोड़ा सा समय रह गया और लगभग 70,000 के आसपास रैंक पे मेरा। तो चलिए इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारे प्लेयर्स का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके और एक सटीक टीम आप बना सके। तो आज का जो स्टेडियम है वो सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम है, और अगर इस स्टेडियम की बात की जाए ना वेन्यू रिपीट को, तो पिच रिपोर्ट पे अगर देखा जाए तो यहाँ का जो एवरेज स्कोर है ना वो 133 के आसपास का एवरेज स्कोर होता है दोनों टीमों को मिला करके, लेकिन वहीं अगर फर्स्ट इनिंग की एवरेज स्कोर की अगर बात की जाए तो 150 के आसपास का रहता है। अगर तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अगर वहीं अगर मौसम की बात करें तो यहाँ का वेदर काफ़ी ज़्यादा खराब रहता है। यहाँ पर पिच बिहेवियर की बात की जाए, पिच रिपोर्ट की अगर बात की जाए, तो पिच रिपोर्ट की अगर बात करते हैं बैटिंग बैलेंस एंड बॉलिंग की बात कर जाए पेसर्स, तो पिच का जो कंडीशन है ये पिच ज़्यादातर बॉलिंग पिच है। टीम टॉस जीतती है उसका हमेशा से निगाहें बैटिंग करने पर होती है कि पहले बैटिंग करते हुए एक अच्छा सा स्कोर कर पाए, और चांसेस की अगर बात की जाए तो टॉस जीतने वाली टीम की भी विनिंग चांसेस 60% होती है, वहीं पे टॉस हारने वाली टीम की भी विनिंग चांसेस 60% के आसपास होती है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि 50% ये जीतेगा 50% वो जीतेगा, दोनों ही टीमें पहले बैटिंग करने वाली टीम भी संभवतः मैच जीत लेती है और दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम भी संभवतः मैच जीत लेती है। वहीं अगर इन दोनों टीम की अगर आमने सामने मैच की अगर बात की जाए पिछले कुछ परफॉर्म को, तो आइए देखते हैं कि पिछला इनका कुछ परफॉर्म कैसा रहा है और इस मैच में कौन कौन से प्लेयर्स क्या कुछ करने वाले हैं। हेड टू हेड की अगर बात की जाए ना, तो दोनों टीमों ने इस फील्ड पे 6 मुकाबले आमने सामने खेले हैं, जिसमें कि 2 मुकाबले सिडनी सिक्सर्स ने अपने नाम किया है, वहीं 4 मुकाबले सिडनी थंडर ने अपने नाम किया है। उसी में अगर देखा जाए ना, तो 2 मुकाबला इसमें कुछ ऐसा रहा था जिसका कि नतीजा पूरा मैच में नहीं हो पाया था, नतीजा अधूरे मैच में ही रह पाया था। 2 मैचों का रिजल्ट जो था डीएलएस मैथड से दिया गया था। अगर वेन्यू पे हाई स्कोरिंग की अगर बात की जाए कि कौन सी टीम ने कितना बनाया, तो सिडनी सिक्सर्स ने इस फील्ड पे 197 का स्कोर खड़ा किया है, तो थंडर ने 232 का स्कोर खड़ा किया है। अगर वही लो स्कोर की अगर बात किया जाए ना, तो लो स्कोर में 16 ओवर में सिक्सर्स ने 76 रन बनाया था, डीएलएस मैचेस वाला मैच हुआ था, तो वहीं थंडर ने 5.1 ओवर में 28 रन बनाया था, और डीएलएस मैथड से इस मैच को थंडर को वॉन कर दिया गया था। तो इस तरह करके टोटल 6 मैच खेले गए थे और 6 मैच में 4 थंडर के नाम रहा और 2 सिडनी सिक्सर्स के नाम रहा। अब चलते हैं इस पिच पे कि कौन कौन से प्लेयर्स इस पिच पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, थंडर की तरफ से कौन से प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहीं सिडनी सिक्सर की तरफ से कौन से प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे। ज़्यादा ठंड है और वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो भाई हम उन्हीं चीज़ों को बताएंगे जो आपके काम आने वाला है। मैं बहुत सारा चीज़ बताने वाला नहीं हूँ, छोटे से कम समय में अच्छी नॉलेज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक तो जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट दें कि भाई हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, प्रतिक्रिया आपकी प्रतिक्रिया की हमें हमेशा से इंतजार रहेगी। काफी ज्यादा ठंड है, हाथ में बहुत ज्यादा ठंड लग रही, फिर भी हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो हम चल रहे थे इस वेन्यू पे कौन कौन से प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो अगर इस वेन्यू पे प्लेयर्स की अगर बात की जाए ना, तो सिडनी सिक्सर्स की अगर बात की जाए, उसके बैट्समैन की बात की जाए,
तो डेनियल हक्स है जिन्होंने एक मैच खेला है और 50 रन बनाया है प्रति मैच, मतलब एवरेज स्कोर है इनका। अगर स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो 192 का स्ट्राइक रेट है इस वेन्यू पे। उसके साथ साथ डेनियल क्रिश्चियन है, उन्होंने भी इस फील्ड पे एक मैच खेले हैं और 41 रन बनाया है, 241 का स्ट्राइक रेट है इनका। उसके साथ साथ जय विंक है, इनका भी एक मैच है, 31 रन बनाया है और 106 का स्ट्राइक रेट है इस पिच पे। तो ये तो बैट्समैन की बात हो गई, अब बॉलर की बात करते हैं। तो बॉलिंग में अगर देखा जाए ना तो एच केयर है जिन्होंने मैच एक खेला है, विकेट 3 लिए हैं इस फील्ड पे, 9.6 का इकोनॉमिक है, मतलब पर ओवर में 9.6 रन देते नजर आते हैं। ऑलराउंडर भी है, ऑलराउंडर के साथ साथ बैटिंग भी अच्छा कर लेते हैं और विकेट भी अच्छा लेते हैं। उसके साथ साथ एस एवर्ट है, ये भी ऑलराउंडर है, इन्होंने भी इस फील्ड पे एक मैच खेला है, 2 विकेट लिया है और 9.15 का इनका भी इकोनॉमिक है। तो दोनों प्लेयर्स कल के मैच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होंगे। उसके साथ बी द्वारसी से है, इन्होंने भी एक मैच खेला है, 2 विकेट लिया और 7 का इकोनॉमिक है, तो काफ़ी अच्छा प्लेयर्स है। ये तो बॉलर है, ये बॉलर है, लेकिन ये दोनों ऑलराउंडर क्रिटेरिया में आते हैं, ऑलराउंडर के क्रिटेरिया में आते हैं। तो ये जो दोनों प्लेयर्स हैं ना कल के मैच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि इनका विकेट टेकिंग इस फील्ड पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि वेदर की अगर बात करें तो वेदर खराब रहेगा, पता नहीं मैच पूरा हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। अभी तो हम सिक्सर्स की बात कर रहे थे कि सिक्सर की कौन कौन से प्लेयर्स इस पिच पे अच्छा करते नजर आएंगे, लेकिन अगर सिडनी थंडर की अगर बात की जाए तो इनके भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस पिच पे चहलकदमी और ब्लास्ट करते नजर आते हैं। ऐसे में अगर बैट्समैन की अगर बात की जाए तो बैट्समैन में सबसे पहले चलते हैं एम गिलक्रिस्ट है। एम गिलक्रिस्ट ने 5 मैच खेले हैं इस पिच पे और 32.4 का स्ट्राइक रेट है, मतलब 32.4 का रन प्रति मैच है, मतलब हर मैच में 32.4 रन करते नजर आते हैं। अगर वही स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो 155 का इनका स्ट्राइक रेट है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्ट्राइक रेट है और कल के मैच में भी लोगों की निगाहें इन पर होंगी। उसके साथ साथ अगर एलेक्स हेल्स की बात की जाए ना तो एलेक्स हेल्स का भी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस इस पिच पे रहा है और 4 मैच इन्होंने भी खेले 25 रन प्रति मैच बनाते नजर आते हैं, 155 का स्ट्राइक रेट रहा है। वहीं अगर दूसरे प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो ए रॉस है जिन्होंने भी 4 मैच खेला, 24 रन प्रति मैच बनाते हैं और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 142 का स्ट्राइक रेट है। ठीक, हालांकि ये दोनों का स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा यहां पे रिस्क होगा। अगर स्मॉलिंग लगाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी से चेंजेस देखने पड़ेंगे, और ग्रैंडलिंग लगाते हैं तो वहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को रखना ही ज्यादा बेटर होगा। अब बॉलर की अगर बात की जाए तो सिक्स थंडर की तरफ से एफ फारूकी है, जिन्होंने एक मैच खेला और एक मैच में 3 विकेट लिए हैं और इनका जो इकोनॉमिक है 5 रन प्रति ओवर देते नजर आए हैं। वहीं डैनियल सैम्स भी है इनके टीम से, डैनियल सैम्स ने 5 मैच खेला है और पर मैच 1.5 के आसपास का विकेट है, मतलब 5 मैच में 7 विकेट लेते नजर आए हैं। अगर इकोनॉमिक की बात किया तो 7.83 का है, तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। सी ग्रीन है, इन्होंने भी 5 मैच खेला है और पर मैच 1 विकेट लेते नजर आए हैं और इनका इकोनॉमिक रन की अगर बात किया तो 6.32, मतलब हर ओवर में 7 रन के आसपास देते नजर आए हैं। तो ये अगर बात की जाए ना अगर दोनों टीमों की, तो अभी रिसेंट में सिडनी सिक्सर्स ने 5 मैच खेले हैं, जिसमें कि सिडनी सिक्सर्स ने 3 मैच अपने नाम किया है, एक लॉस हुआ है और एक का नो रिजल्ट, मतलब एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं रहा है और वेट वेदर के कारण शायद मैच को रद्द कर दिया गया हो। वहीं अगर सिडनी थंडर की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने 5 मैच खेले, जिसमें 4 उन्होंने जीता है और 1 लॉस किया है। तो कीपिंग सेक्शंस की अगर बात की जाए तो एम गिलक्रिस्ट हमारे टीम में होंगे, उनके साथ साथ जॉस फिलिप है, हालांकि हमारे टीम में अभी जॉस फिलिप नहीं है, जब लाइनअप आएगा उसके बाद हम देखेंगे कि जॉस फिलिप को इस मैच में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके साथ साथ अगर बैटमैन सेक्शंस की अगर बात की जाए तो हम चलते हैं बैटमैन सेक्शन में, तो डेविड वार्नर है जो अभी तक उन्होंने अपना स्टार्ट नहीं किया, एलेक्स हेल्स है उन्हें हम रख लेंगे, और उसके साथ साथ एम हेनरिक्स है। अगर एम हेनरिक्स का हालांकि हमने डिटेल्स नहीं दिखाया, लेकिन स्पीच की अगर बात की जाए तो एम हेनरिक्स का भी काफी अच्छा स्कोर रहा है और उन्होंने स्पीच पे बिना आउट हुए 76 रन नाबाद पारी खेली है। तो ऐसे में इनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है और लोगों की निगाहें इससे थोड़े दूर रहेंगे, ऐसे में आपको कल के मैच में एम हेनरिक्स इंपॉर्टेंट तौर पर लेना है। उसके साथ साथ जय विंक है, रैली रूसो है, हालांकि स्पीच के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, जॉर्डन सिल्क है, इनका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और डेनियल हक्स है। उसके साथ साथ क्रिश्चियंस को ले लेते हैं, सी ग्रीन, जो थंडर के एमसी एंड्रूई है, इनको भी हम अपने टीम में रख लेंगे, हालांकि इनके बारे में हमने नहीं बताया है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस लगातार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है, जिसकी वजह से हम इनको ले रहे हैं। तो हमारा जो फाइनल टीम है कुछ इस प्रकार के से तैयार हुआ है, विकेट कीपिंग सेक्शंस में एम गिलक्रिस्ट है, उसके साथ साथ बैटिंग वाले सेक्शंस में एलेक्स हेल्स है, जय विंक है, डी हक्स है और जॉर्डन सिल्क्स है। अगर वहीं ऑलराउंडर सेक्शंस की अगर बात की जाए तो डेनियल क्रिश्चियन है, एस एबॉट है, एच केयर है, और बॉलिंग सेक्शंस की अगर बात की जाए तो बी द्वारसिस है, उसके साथ साथ सी ग्रीन है, और
NMC एंड्रॉइड है। तो ये हमारा टीम होगा, और टीम के साथ साथ अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो वर्तमान के लिए जो हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन होंगे विद्वांसिस हमारे कैप्टन होंगे और वाइस कैप्टन में एस एवर्ट होंगे। लेकिन जैसे ही लाइनअप आता है उसके बाद जो हमारा फाइनल टीम होगा, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने के लिए मिलेगा, और हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। तो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ताकि हमारा जो भी फाइनल टीम आता है आप तक पहुंच सके और आपको एक अच्छा सा विनिंग कराने में सपोर्ट कर सके।